I love you, इच्छा। मुझसे शादी करोगी? अब जो तुम्हारे दिल में तुम्हें खोल कर कह दो। दुनिया की हर लड़की का एक ही सपना होता है बबल जी, उसे प्यार करने वाला लड़का इसी अंदाज में घुटनों के बल बैठकर सबके सामने अपने दिल की बात कहे, लेकिन मुझे ये सपना देखने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ना तो मैं आपकी इस दुनिया से हूं और ना ही लड़की हूं। जो बात सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे, आज वो बात आपने कह दी। लेकिन बदकिस्मती तो यही है कि मैं चाहकर भी इसका जवाब नहीं दे सकती। कितनी अभागी हूं मैं, आप जैसा आदर्श जीवन साथी मेरे सामने खड़ा है और मैं उसे अपना नहीं सकती। मुझे माफ कर दीजिए बबल जी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, आप रो रही हो? नहीं गुनगुन। झूठ, आप रो रही हो। दीदी बताओ ना क्या बात है। अभी तुम बहुत छोटी हो गुनगुन, तुम नहीं समझोगी। आकार पे मत जाओ दीदी, छोटी हूँ लेकिन करामती हूँ। जब चीजें अपनी होने के बाद भी हमें नहीं मिलती तब दुख तो होता है ना। ऐसे में सोच लेना चाहिए कि वो चीज कभी अपनी थी ही नहीं। सॉरी इच्छा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। अरे वाह, सब लोग थे और मैं बिना सोचे समझे बोलता चला गया। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। हाँ, हम दोनों का स्पेशल मोमेंट, स्पेशल कन्फेशन सिर्फ हम दोनों के बीच होना चाहिए और मैं वहां सबके सामने। तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? हाँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज भी हो, है ना? इच्छा छोड़ो ना, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे मैं जोश में आके होश खो बैठा, तुम मेरी हरकतों को नहीं, मेरी फीलिंग्स को, मेरी सच्चाई को देखो। हाँ, घर वालों के सामने तुम्हारा हाथ मांगा ताकि तुम, इच्छा अगर तुम चाहो तो मैं फिर से प्रपोज कर दूंगा। हाँ, एक बार हाँ बोल दो यार। रास्ता छोड़िए। ऐसे कैसे रास्ता छोड़ू इच्छा, अब जिंदगी भर एक ही रास्ते पे तो चलना है हमें। मेरा रास्ता छोड़िए बबल जी। कितना डरवाओगी मुझे? हाँ, ये मस्ती मजाक बहुत हो गई। अरे अभी हाँ बोल दो यार, घर वाले भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने अपने दिल की बात कहने की? एक बार मुझसे तो पूछ कर देखते, जान तो लेते कि मेरे दिल में क्या है। ठीक, गलती हो गई, I'm sorry। अब जान लेता हूं, बता क्या है तुम्हारे दिल में। मेरी कसम खा के बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? करती नहीं करी। झूठ, इच्छा तुम झूठ बोल रही हो। नहीं बबल जी, यही सच है, मुझे आपसे ना कभी प्यार था और ना कभी हो सकता है, और ये बात अब जितनी जल्दी समझ जाए आपके लिए अच्छा है।
अच्छा तुमने बबल की झूठी कसम खाई, अगर उसे कुछ हो गया तो? भागू, मेरी आधी जान बबल जी में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो इच्छा भी नहीं रहेगी। उन्हें कुछ नहीं होगा भागू, और गलती से उन्हें कुछ हो भी जाता है तो मेरी आधी जान अब भी मेरे पास है, मैं वो भी उन्हें दे दूंगी, क्योंकि बब्बल जी के बगैर इच्छा की जान का कोई मोल नहीं है। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने अपने दिल की बात कहने की? एक बार मुझसे तो पूछ कर देखते, जान तो लेते कि मेरे दिल में क्या है। मुझे आपसे ना कभी प्यार था और ना कभी हो सकता है। मेरी कसम खा के बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं करती। ये लीजिए। अरे बाकी सबके लिए बच। देखो अब बेटा, इच्छा वहां नहीं यहाँ बैठो ना, आज से तुम्हारी जगह वहां नहीं यहाँ है। हाँ छोरी, कुछ सोच विचार किया या तुझे अभी भी समय चाहिए? देख छोरी, मन में कोई हिचक मत रखना, जो मन में आए ना खुलकर बोल दे। दादी, ये मेरा सौभाग्य है बबल जी, और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ। बबल जी जैसा जीवन साथी पाना किसी लड़की के लिए एक सम्मान से कम नहीं है। एक बहुत अच्छे इंसान है और मुझे यकीन है कि वो एक बहुत अच्छे पति बन सकते हैं, लेकिन लेकिन क्या छोरी? लेकिन मैंने कभी बबल जी को उस नजर से देखा ही नहीं। वो हमेशा से मेरे दोस्त रहे हैं और दोस्त ही रहेंगे। मैं बबल जी को अपना जीवन साथी नहीं बना सकती। इच्छा तो कुछ भी कह ले, मैंने तेरी आंखों में बबल के लिए प्यार देखा है, और वो भी एक बार नहीं कई बार देखा है, और मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम लोग सब इसके ऊपर दबाव मत डालो। इसने अपनी बात कह दी और इसकी बात का मान हमें रखना चाहिए। इच्छा, तू इस घर की बहू नहीं बनना चाहती, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने दादी। लेकिन इस घर की बेटी से मुझे एक आखिरी सवाल पूछना है, उतना पूछने दीजिए। छोरा क्यों? सवाल इसके और मेरी जिंदगी से, हमारे भविष्य से जुड़ा है दादी। आसान सवाल है, इसलिए मुझे जवाब भी आसान चाहिए, ठीक है? तुम इस शादी से इसलिए मना कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हें अभी अभी शादी नहीं करनी। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी नहीं, 4 साल बाद शादी कर लेंगे। अच्छा, और अगर तब भी तुम लगे कि वक्त सही नहीं है, 10 साल बाद करेंगे यार।
तुम जब तक कहोगी मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूं। बात इंतजार करने की नहीं है बबल जी, मुझे आपसे शादी करनी ही नहीं है। आज नहीं, कल नहीं, कभी नहीं। मतलब मेरे अलावा कोई और? अच्छा, सुलझा हुआ लड़का मिल जाए तो तुम शादी करने के लिए तैयार हो? हाँ। ठीक है, तो आज से बल्कि अभी से तुम्हारी शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मतलब तुम इस घर की बेटी हो इच्छा, तुम्हारी शादी हमने करवाएंगे तो कौन करवाएगा? छोरा तू क्या बात कर रहा है? यही दादी की इसकी शादी की उम्र हो चुकी है, इसके हाथ पीले करवा दो, बाकी सारी तैयारियां आप संभालना। लेकिन इसके लिए लड़का मैं ढूंढूंगा। हाँ जी, अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट्स पे तुम्हारा प्रोफाइल शेयर कर देता हूँ, मैरिज इंस्टीट्यूशंस में तुम्हारा नाम रजिस्टर करवा देता हूँ। अच्छा, और तुम चिंता मत करना। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा लड़का ढूंढूंगा जिसे देखते ही तुम्हें उससे प्यार हो जाएगा। खानदान, पढ़ा लिखा, दिखने में अच्छा, वो हर मामले में एकदम परफेक्ट होगा। और हाँ, अगर तुम्हारी और कोई उम्मीद है तो मुझे बोल दो, लड़का ढूंढने में मेरी हेल्प हो जाएगी। तुम मेरे साथ घर नहीं बसाना चाहती ना? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं ना, है कि नहीं? तुम्हारी खुशियों के बारे में अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? आई लव यू इच्छा, क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी, मुझसे शादी करोगी? मतलब तुम इस घर की बेटी हो इच्छा, तुम्हारी शादी हमने करवाएंगे तो कौन करवाएगा? माँ, क्या हुआ माँ, आप कुछ बोलोगी नहीं? कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है मेरी सपोली। मतलब? मैंने तुझे बहुत पहले आगाह किया था, कहा था कि तू जो कर रही है वो गलत है, बबल के साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है, पर तूने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया और इसमें उलझती चली गई। और आज ये आंसू, ये दर्द, ये तूने खुद चुना है मेरी सपोली। अब तेरी मां के पास इसका कोई इलाज नहीं है। मैंने कोशिश की थी मां, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, और जो बस में ना आए उसी को दिल कहता है ना माँ। सोचा है आगे क्या करना है?
पता नहीं। इच्छा, किसी शख्स को ना करना आसान है, पर ना करने के बाद उस शख्स का सामना करना बहुत मुश्किल है, और खासकर तब जब वो शख्स आपसे बेतहाशा प्यार करता हो। देख इच्छा, अब बब्बल के साथ इस छत के नीचे रहना तेरे लिए एक चुनौती होगी, और तू इस चुनौती को झेलना चाहती है या नागिस्तान वापस आना चाहती है, ये फैसला तुझे करना है। दादी जी, ये देखिए आज अखबार में क्या छपा है। अरे तू देखने देगी तभी देखूंगी ना। अरे वाह, इसमें तो इच्छा की शादी का इश्तिहार छपा है। अरे माँ, वो तो ठीक है, लेकिन इच्छा की फोटो तो ना छपी। कितनी गोरी चिट्टी छोरी है, पूरे अखबार में ट्यूब लाइट की तरह चमकती वो। सब जानते कि तू प्रबल सबल का बाप है, हर बार साबित करने की कोशिश मत कर। इच्छा कहाँ थी तुम? तुम्हारे लिए सरप्राइज है, ये देखो तुम्हारी शादी का इश्तेहार। ये इश्तेहार दादी, ये मैंने छपाया है। अब जब तुम्हारे लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी ली तो निभानी तो पड़ेगी, इसलिए। लेकिन इतनी जल्दी क्या है बब्बल जी? जल्दी है मुझे, जल्दी है। मैं देखना चाहता हूं इच्छा कि तुम अपने लिए कैसा लड़का पसंद करती हो। अगर मैं नहीं तो फिर कौन? बब्बल जी, मेरी शादी जब होनी है जिससे होनी है हो जाएगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दादी कहती है जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, और हम उन्हें बिगाड़ते हैं, है ना? देखिए बब्बल जी, आप मुझ पर इसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मुझे शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये मैं तय करूंगी। तो मैं कहा ना कह रहा हूं, मैं तो बस लड़कों को लाकर तुम्हारे सामने खड़ा कर रहा हूं। फैसला तुम्हें ही करना है इच्छा। लेकिन बब्बल जी, आपको इच्छा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं ना मैं। मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोचूंगा। दादी जी, आप कहिए ना इससे। अरे छोरी, कोशिश कर रहा है तो करने दे। दादी आप नहीं समझ रही है। मैं समझ रहा हूं, अच्छे से समझ रहा हूं। बब्बल जी, अब देखो इच्छा, तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? इनफैक्ट मैं मानता हूं कि यही सही वक्त है। देखो ना, तुम्हें कोई लड़का पसंद है, ना तुम किसी से प्यार करती हो, ना तुमने किसी के साथ शादी करने के सपने देखे हैं। तुम्हारे दिल का फ्रेम अभी भी खाली है, उसमें किसी को तो फिट करना है ना हमें, क्यों पिताजी? हाँ बब्बल, मैं तेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देख छोरी, शादी ब्याह के मामलों में टाइम तो लगे है ना, तू आज से छोरा देखना शुरू करेगी तो रिश्ता होने में कम से कम एक महीना लगेगा। लेकिन अंकल जी, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं मन से तैयार नहीं। मन का क्या है इच्छा, आज यहाँ है कल कहीं और। और वैसे भी तुम्हें मन बदलने की आदत है। अंकल जी देखो अच्छा, तुमने मुझसे शादी के लिए मना कर दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, लेकिन अगर तुम इस तरह मेरे सामने रहोगी तो मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं, अपने लिए कोई अच्छा जीवन साथी चुन लो, शादी कर लो। और आप मुझे इस घर से निकाल रहे हैं? ना छोरी ना, इसका मतलब ये ना था, लाख बातों की एक बात, अभी से तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करते हैं, जब शिव जी चाहेंगे शादी हो जाएगी, ठीक है ना? बेचारी इच्छा दीदी रोज नई मुसीबत में फंस जाती है,
अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूंगी।